गुमला जिले के बिशुनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने टीपीसी के दो हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में चेरा बिशुनपुर का बीनू उर्फ विनोद उराव और चेटर गुमला का सुरेश उराव उर्फ अमित उराव शामिल है। ये दोनों हत्या, रंगदारी और लूटपाट के आरोपी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुलिस को दोनों की काफी दिनों से तलाश थी। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार दोनों नक्सली बिशुनपुर इलाके में घूम रहे थे, तभी पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद गुमला एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई, जिसमें दोनों नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ गए। के सक्रिय कुछ सदस्य हैं जो रंगदारी स्वरूप भयादोहन करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने एक छापामारी टीम गठित की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला के नेतृत्व में, और उसमें पुलिस निरीक्षक गुमला अंचल और फिर विशनपुर के थाना प्रभारी सारे बल और सारे लोगों ने दो टीपीसी के क्रियावादी को गिरफ्तार कर फोटो ले लीजिए। आपको हमारे साथ गुमला से संवाददाता अजीत सोनी जुड़ चुके हैं। अजीत, पहले से भी कई दफा गुमला में इस तरीके से नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है और इस बार दो नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ अब तक कार्रवाई इसमें आगे की गई है? अजीत जी, बता दूं कि अभी जो फिलहाल नक्सलियों के विरुद्ध जो सर्च अभियान जो चल रहा है, लगातार पुलिस के द्वारा चल रहा है, जगह जगह चल रहा है, जिसमें कि काफी हद तक सामने आई है कि जो पुलिस अब उनके पीछे जो है सो काफी जी अजीत जी अजीत क्या जो इन दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं, क्या इनके पास से कुछ बरामद भी किया गया, क्योंकि इन पर हत्या, लूटपाट, इन सब तमाम अपराध के जो हैं पहले से भी मामले दर्ज हो चुके हैं, तो क्या कुछ उनके पास से पुलिस ने बरामद भी किया है और क्या कुछ कहना है पुलिस का इस पे? अब लगता है हमारा संपर्क हमारे संवाददाता अजीत से टूट गया है, तो आपको एक बार फिर से बता दें, ये पूरा मामला गुमला का है, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। दो हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली थी कि वहां पर ये दोनों नक्सली जो हैं इलाके में घूम रहे थे और पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए यहाँ पर छापेमारी करते हुए दोनों नक्सलियों को जो है पकड़ लिया है और इनका आगे की कार्रवाई जो अब है की जा रही है। इधर बगहा में नथुनी महतो नामक एक शख्स ने अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना नौरंगिया थाना क्षेत्र के जीतपुर गांव की बताई जा रही है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि किसी मामूली बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई, जिसके बाद नथुनी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद हत्यारा पति फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन कर हत्यारे पति की तलाश में जुटी है। बाढ़ में एक परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब 1.5 वर्षीय बच्चे की मौत पानी के टब में डूबकर हो गई। घटना बख्तियारपुर की है, जहां पूरा परिवार होली की खुशियां मना रहा था। इसी बीच 1.5 वर्षीय आरुषि खेलते खेलते पानी के टब में जा गिरी। काफी देर बाद परिजनों को इसका पता चला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र में एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पीट पीट कर हत्या की बात कही है। युवक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आसपास के इलाके में लोगों से पूछताछ कर रही है। कटिहार में दो मोटरसाइकिल में टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई। पोठिया थाना क्षेत्र के खोटा चौक के पास कुरसेला और पूर्णिया की तरफ से आ रहे 2 बाइक आमने सामने टकरा गए। इस भीषण टक्कर में घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। साइड से पल्सर आ रहे थे, 3 आदमी था उसमें जी,
और एक कुर्सेला तरफ से आ रहा, उसमें एक बच्चे और एक लड़का था, दोनों आमना सामना टक्कर हो गया, इसी में तीन घायल है, पूरे नहीं बचेगा, एक सीरियस है वो भी नहीं बचेगा। महिला भी ठीक है, बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। कहाँ भेजे हैं सबको? सबको समय जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुमन जुड़ चुके हैं कटिहार से। सुमन, तीन लोगों की मौत हुई है मौके पर, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और बताया जा रहा है कि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है, क्या उसकी हालत कैसी भी बताई जा रही है? देखिए रीति, कटिहार का जो है कल होली का त्योहार था और शाम में भीषण दो बाइक में अनियंत्रित होकर टक्कर हुई है, जिसमें कि कुल पांच लोग की हालत नाजुक थी, जिसमें तीन की मौत घटनास्थल पे हो गई है और एक बच्चा सहित एक युवक का जो है सदर अस्पताल कटिहार में इलाज चल रहा है, जहां अभी भी वो युवक खतरे से बाहर नहीं है, उसकी भी हालत खराब है और बच्चा अभी ठीक ठाक है। और ये घटना जो है पोठिया ऑफिस क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हुई है और स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी मिली, मौके पहुंचकर जो है सब तीनों युवक का सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के कटिहार भेजा गया है। जी तो क्या सुमन मृतक के परिजनों को कोई मुआवजा देने की बात प्रशासन की तरफ से की जा रही है? देखिए जिस समय घटना हुई और जो स्थानीय ग्रामीण थे, रागी थे, NH 31 को एक घंटे तक बाधित कर दिया था और जो घायल थे बच्चे और एक युवक, उनको जो सम्मिलित PSC में भर्ती कराया गया था, वहां पे कल होली का त्योहार को रहने के कारण जो है वहाँ डॉक्टर नहीं था, एम्बुलेंस के कर्मचारी नहीं थे, NM नहीं थे, जिसके कारण जो है वहाँ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया कि इस तरह की लापरवाही की गई है, जिसके कारण जो है निजी वाहनों से उसे सदर अस्पताल भेजा गया और मौके पर DSP अफराग अख्तर अंसारी सहित अंचल अधिकारी मौके पहुंचे और कहा है कि 4 लाख का मुआवजा जो है पीड़ित परिजनों को मिलेगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से बता दें, सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हुई है जबकि एक गंभीर रूप से घायल है और मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही जा रही है। इधर मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में खून की होली खेली गई है। ताजा मामला मोहम्मदपुर गांव का है, जहां पुरानी रंजिश के वर्चस्व में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में 2 व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से आनन फानन में अस्पताल लाया गया। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने घटनास्थल से खोखा, 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल बरामद किया है। वहीं घटना में संलिप्त अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। सुबह सुबह परवीन झा, भोला सिंह, उनके बजरंग दल के पूरे कमेटी आए हुए थे, हमारे दुकान पे आए, गुटखा खाए, बोले पैसा के लिए, बोले भाई तुम कौन होता पैसा मांगने वाले, हम बोले भाई ठीक है तुम जाओ, बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं तो कुछ करके जाऊंगा। इसी में होते होते हो गया गोलाबारी। हमारे किसने गोली चलाई? भोला सिंह। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नवीन नायक जुड़ चुके हैं। नवीन, होली का दिन मातम में बदला है और पुरानी रंजिश को लेकर इस तरह की घटना जो है सामने आई है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की अब तक इस पर? हाँ रिति, कि इस मामले में पुलिस की ओर से इस घटना को मधुबनी पुलिस का 500 प्रकाश ने जायजा लिया और उस घटनास्थल से 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल बरामद किया गया है और मधुबनी पुलिस कप्तान के निर्देश पर बेनीपट्टी SDPO अरुण कुमार के नेतृत्व में और सर्किल इंस्पेक्टर समेत 4 थाने को के साथ सम्मिलित करके एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जिस टीम के द्वारा आपको बता दो जगह जगह छापेमारी की जा रही है अपराधियों को पकड़ने के लिए। जी नवीन, बताया जा रहा है कि 4 लोग इस हमले में बुरी तरह घायल भी हैं, उनकी क्या कुछ हालत अब तक बताई जा रही है? हाँ ऋतिक, आपको बता दूं इसमें दो का तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई और 4 को जो बेनीपट्टी PHC में प्राथमिक इलाज के बाद जो दरभंगा रेफर कर दिया गया था, वहाँ पे आपको दरभंगा के पारस अस्पताल में 1 का मौत इलाज के दौरान हो गया।
और दो को पटना रेफर कर दिया गया। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।